मॉब लिंचिंग से बचाव के लिए हथियार। कानून नहीं, हथियार से खत्म होगी मॉब लिंचिंग। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हथियारों से मॉब लिंचिंग का मुकाबला करने की वकालत कर रहे हैं। महमूद प्राचा कानून के अच्छे जानकार हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर खुलेआम हथियारों की वकालत भी कर रहे हैं। एक तरह से शर्फसाद जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, शायद सरकारों को अब होश आए कि नागरिकों को, कमज़ोर नागरिकों को और देश के आम नागरिकों को, जो ईमानदार, शरीफ और संविधान में विश्वास रखने वाले नागरिक हैं, उनको स्वयं कमज़ोरों की मदद करने के लिए हथियार उठाने पड़ रहे हैं, तो शायद सरकारें जाग जाएं। सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग से क्या हथियारों के जरिए बचा जा सकता है? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या मॉब लिंचिंग के सिर्फ मुसलमान ही शिकार होते हैं? भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, कोई दीन धर्म नहीं होता, और इसी का फायदा भीड़ में शामिल कुछ लोग उठाते हैं और मॉब लिंचिंग को अंजाम देते हैं। लेकिन महमूद प्राचा जैसे वरिष्ठ वकील भी इस भीड़ की सोच को खास राजनीतिक दल से जोड़ देते हैं। उकसाए में ऑलरेडी लोग आए हुए हैं, एक पॉलिटिकल सोच को रखने वाले, बहुत ही तंजीमी तौर पे, बहुत ही मुनज्जिम तौर पे, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत चंद लोग इसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं ऑलरेडी। महमूद प्राचा का तर्क है कि हथियार रखने से भीड़ हमला करने से पहले सोचेगी, लेकिन क्या ऐसा संभव है? अनियंत्रित भीड़ क्या योजना बनाकर मॉब लिंचिंग करती है? हथियार देखकर भीड़ और हिंसक हो सकती है। 17 जून को झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के व्यक्ति की बिजली चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले के आरोपी अभी जेल में है। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया था। युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिली। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून तोड़ने वालों के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन हथियार रखने की वकालत कर भीड़ को उकसाना भी कानून तोड़ने के बराबर है। 9 जुलाई को संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठाई। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे 2018 में जो है फैसला दिया है कानून बनाने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ। मॉब लिंचिंग के खिलाफ मोदी सरकार का रवैया सख्त रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में मॉब लिंचिंग की ज्यादा घटनाएं होने के आरोप लगते हैं। यूपी सरकार भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने भीड़ हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सौंप दिया है। के अपराधियों को न केवल कड़ा दंड दिया जाए बल्कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उपाय भी सुझाए गए हैं और जिसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पहली बार होगा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ हथियार रखने की इजाज़त के लिए प्रदर्शन का ऐलान किया गया। 26 जुलाई को लखनऊ से 25,000 अल्पसंख्यक और एससी समाज के लोगों के साथ मौलाना कल्बे जव्वाद हथियार रखने की मुहिम चलाएंगे। दिल्ली से शोएब राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।